राष्ट्र समूह के मसलों पर आयोजित ये दूसरी सेमिनार में पधारे हम सबके मार्गदर्शक, जिनका एक बहुत बड़ा कार्य भारत में कौमी एकता और अब उससे भी उठ करके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ या विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के जो अपना जीवन दान दे रहे हैं, आदरणीय इंद्रेश जी, श्री मेरे से सीनियर एमपी श्री प्रभुदयाल कठेरिया जी, आदरणीय आर के सिंह जी, हमारे महापौर श्री ए के सिंह साहब, सभागार में बैठे हुए सभी त्यागी जी, आयोजक टिम्मा भाई, आदरणीय सिकरवार साहब, सभी शहर के हमारे बुद्धिजीवी देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं निजी तौर से इंद्रेश जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। तीन देशों की राजधानी रहा है आगरा, आज 54 देशों की राजधानी बन गया है। तीन देशों में भी कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, अकबर जब यहाँ के बादशाह थे तो फतेहपुर सीकरी हमारी राजधानी थी। हमारे में से ही 47 में पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। बंटवारा ना हुआ होता तो एक ही देश होता, अलग अलग तीन देश हैं, लेकिन इस संपूर्ण भूभाग की और अफगानिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा और हम लोग राजधानी रह चुके हैं। छोटी मोटी हो, जैसी भी हो, लेकिन 54 देशों की मुख्यालय का आपने ये ऑनर आगरा को दिया है, मैं इसके लिए यहाँ के स्थानीय सांसद होने के नाते आपका आभार प्रकट करता हूँ। पिछली बार भाषण इसलिए ठीक हो गया था कि आप सभागार में नहीं थे। मैं त्यागी जी से कह रहा था कि किसी ने कहा कि मैं 48 मिनट बोला था और ये भी कहा ठीक बोला था, अब मुझे एक लाइन याद नहीं आ रही है, ऐसा आपका प्रभाव है। लोहिया ने भी कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक महासंघ बनना चाहिए, चाहे वो भले ढीला ढाला बनाओ, तब बांग्लादेश था नहीं। अटल जी ने भी जब बस यात्रा लेकर के गए थे तो उन्होंने कहा था कि यू कैन चेंज योर वाइफ बट नॉट योर नेबर, आप अपनी बीबी बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और पड़ोसी भी कोई फ्लैट वाला ना हो, पूरा भूभाग हो, राष्ट्र हो, हजारों वर्ग मील वाला देश हो, ये पड़ोसी तो बदला जा सकता है, वो बेच जाएगा या आप बेच जाएंगे। तो जब पड़ोस ही हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, चाइना है, तो क्यों ना उनसे रिश्ते ठीक रखे जाएं। और पड़ोस से रिश्ते बहुत अच्छे हों, देश में अनरेस्ट हो, असंतोष हो, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, जब देश में शांति नहीं रहेगी तो कभी पड़ोस भी इज्जत नहीं करेगा। चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, घर से शुरू होती है। मैंने बड़े किस्से सुने हैं आपके, मुस्लिम मसालात पर आपने बड़ा काम किया है, और मुझे लगता है कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका विकास, उसको जमीनी तौर से चरितार्थ आप कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सरकार कर सकती है, लेकिन विश्वास के लिए जरूरी नहीं है कि योजना ही हो, विश्वास के लिए दो कदम चलना पड़ता है। कई बार लगता है बीजेपी में आके ये विचार अपने व्यक्त करूं या ना करूं, लेकिन बंद कमरे में खुली बात होनी चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ था, एक बात बड़े खुले रूप से कह दी गई थी, कोई मैंडेटरी नहीं थी बात,
हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है रह सकता है, जो पाकिस्तान जाना चाहता है जा सकता है। गांधी के कहने पर या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के कहने पर या तो उस समय के नेतृत्व के कहने पर जो हिंदुस्तान का मुसलमान ये सोच के हिंदुस्तान में रह गया कि यहाँ का बहुसंख्यक भाई हमें छोटे भाई की तरह प्यार करेगा, जो ये आगरा का मुसलमान ये सोच के आगरा में रह गया कि इस ताजमहल की खूबसूरती में हमारी हिस्सेदारी है, जो दिल्ली का मुसलमान ये सोच के दिल्ली में रुक गया कि इस लाल किले की बुलंदी में हमारी हिस्सेदारी है, या हैदराबाद का ये सोच के रह गया कि इस चार मीनारी में हमारी पुरखों की हिस्सेदारी है, जो सोच के रह गया देश में कि हवाएं हमारी हैं या फजाएं हमारी हैं, तो फिर कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि उनको ये पछतावा हुआ हो कि वो चले क्यों नहीं गए। हालांकि जो चले गए उनके लिए भी राहत इंदौरी ने मुझे लगता है एक ही शेर ढंग का लिखा है कि गंगा छोड़ के जाने वालों कतरे कतरे को तरसोगे। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो तरस रहे हैं वो लोग, क्या बोलते हैं उनको, मजाहिर, मजाहिर लोग, मुहाजिर, सॉरी आई एम सॉरी, मुहाजिर लिपट के रोए, रिफ्यूजी कह लो, हाँ उनको महाजिर ही कहते हैं। तो जो गंगा छोड़ के जाएंगे तो फिर रावी झेलम और चुनाव में वो सब नहीं है ना। तो फिर सबके विश्वास के साथ, और इसलिए भी करना पड़ेगा, नहीं भूल सकते हम लोग कि एक छोटे से मिट्टी के टीले के सामने एक छोटी सी जीप पर एक छोटी सी तोप लेकर के अब्दुल हमीद ने अमेरिका के पैटर्न टैंक तोड़े थे। कैप्टन मुल्ला केवल एक परंपरा को निभाने के लिए अपनी शहादत दे गया, वो परंपरा नेवी की यह है, आप समझ पा रहे होंगे कि पानी का जहाज, नेवी का जहाज डूबता है तो कप्तान भागता नहीं है, चाहता तो लास्ट में वो सबसे पहले तो चूहे ही भागते हैं, कप्तान नहीं छोड़ता है। और इस परंपरा को निभाने के लिए इलाहाबाद का कैप्टन मुल्ला जल समाधि ले गया। जनरल शाहनवाज ने अपने, मैं मानता हूं कि 1191 में, आज विवादित बात हो सकती है कि 1191 का तराई का युद्ध हम पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, जो हमारी माफ करने की आदत है, तो लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। 1192 में तराई के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए। गोरी दुर्भाग्य यह है कि गुलाम आदमी ने इतने बड़े देश को गुलाम कर दिया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमें गुलाम रखा, और उसके गुलाम इल्तुतमिश ने हमें गुलाम रखा। दिल्ली सल्तनत पर्दा प्रथा वाली है, लेकिन रजिया ने हम पर राज किया है पर्दा प्रथा में, पर्दा प्रथा में बेपर्दा होकर हिंदुस्तान पे राज किया। लंबा फहरिस्त है वो, उसके दो तीन नालायक भाइयों ने, उसके बाद बलवन ने द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, बिस्मार्क वाली नीति पर बलवन था। दो तीन खिलजीज हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलो लोदी, इब्राहिम लोदी, खैवड़ दर्रे से फिर बाबर का आगमन हुआ। मैं इन सबको आक्रांता मानता हूं, मेरे निजी विचार है। हुमायूं, समकक्ष शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, अकबर जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब, लेकिन बहादुर शाह जफर को मैं अपना सबसे बूढ़ा पुरखा मानता हूं। वंश वही है, समय काल परिस्थितियों के अनुसार हमको अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। अपने बुढ़ापे के कष्टकारी दिन उन्होंने इस देश की आजादी के लिए बर्मा की रंगून की जेल में गुजारे। कितना बेनसीब है जफर, दो गज जमी भी न मिली कूचे दयार में। ये सब हमारे पुरखे हैं। जनरल शाहनवाज ने जवानी के बेहतरीन दिन आजाद हिंद फौज में इस देश को आजाद करने के लिए गुजारे।
खाली अल्पसंख्यकों में मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बीच बीच में आजादी के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने भी, गुरु अर्जुन सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शहादत दी। उससे बड़ी शहादत क्या होगी कि बच्चे ही चंगे। जब मोदी जी ने कही दिया है सबका विश्वास, योजनाएं तो साहब आर्थिक आधार पे आएंगी, तो सबका साथ लेना पड़ेगा और सबका विकास करनी पड़ेगा, क्योंकि सड़क ऐसे नहीं हो जाएगी कि रामलाल के घर तक बने फिर अब्दुल के घर पे जाके रुक जाए, बने ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक आधार पर ही बनेंगी, चाहे वो सारे लोग हाथी पे चढ़े हों, उतर ना रहे हों, लेकिन 10-10 योजनाओं का लाभ मिलेगा क्योंकि आर्थिक आधार है। स्ट्रक्चर कमीशन ये कहता है कि इस देश में मुस्लिम की हालत दलितों से भी बदतर है, इसलिए आर्थिक आधार वाली जो योजनाएं हैं उनका वो लाभ लेंगे, चाहे साइकिल से उतरे या ना उतरे, या हाथी से उतरे या ना उतरे, लेकिन राजा को समदर्शी होना चाहिए और राजा समदर्शी है। इनसे सबसे व्यापारिक रिश्ते थे, ये हर्ष है, एब्रीविएशन में हर्ष कहेंगे इसको। हर्ष तभी हर्षित हो पाएगा जब 54 देशों में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, मैं यहां तक कहता हूं धार्मिक रिश्ते बनेंगे, भी इस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता है। राष्ट्रीय सर्वोपरि होना चाहिए, मैं तो पूरी विदेश नीति को एक लाइन में कहता हूं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हम, हमारी बात अगर बाकी देश मान लें, 10-20 लाख हिस्से में आएगा या नहीं आएगा, मैं 20 करोड़ प्रति व्यक्ति के बैंक में गारंटी ले रहा हूं केवल एक फार्मूले से, कि लोग जैन हो जाएं, जैन हो जाएं। अगर जैन धर्मावलंबी हो जाएंगे तो हिंसा नहीं करेंगे, और सब लोग अगर जैन मतावलंबी हो जाएं तो रक्षा बजट केवल आधा कर दें। आप समझ पा रहे होंगे रक्षा बजट कितना भयंकर होता है, 1-2% कम करने पर पता नहीं कितना बड़ा लाभ होगा, लेकिन अगर आधा हो जाए तो सबके खाते में 10-20 करोड़ आ सकता है पूरे विश्व के। तो दया करुणा के प्रतीक ही थे, तो ये देश नानक, बुद्ध और महावीर का है और गांधी का है। गांधी ने भी यहां तक कहा है कि कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल कर दो, लेकिन यहां उन्होंने एक बात और कही थी, हिंसा और कायरता में से मुझे एक चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो नई पीढ़ी आजकल गांधी को दूसरे हिसाब से परिभाषित करती है, हिंसा और कायरता में से चुनना होगा तो मैं फिर हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं चुनूंगा। अशफाक उल्ला खां कैसे भूल सकते हैं शहादत, अब्दुल हमीद की नहीं भूल सकते, जनरल शाहनवाज की नहीं भूल सकते, बहादुर शाह जफर की नहीं भूल सकते। असलम शेर खां हॉकी खेल रहे थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक पाकिस्तान पे निजी गोल नहीं कर दूंगा शादी नहीं करूंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मुझे लगता हो ही नहीं पाती। जसदेव सिंह सुना रहे थे और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला और ये सुरजीत ने बॉल पुश की और ये असलम शेर खान ने अपना ताबीज चूमा और ये हिट की और ये गोल, उसी के साथ शादी होगी वरना अब तक तो कुंवारा रहते। किसके लिए कसम खाई थी, देश के लिए? अगर भोपाल में दंगा हुआ तो कोई देखेगा कि इस आदमी ने देश के लिए ताबीज को चूम के गोल ठोका था? नेम प्लेट लगी होगी तो पता नहीं क्या होगा। तो आप कौमी एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए अंग्रेज जी जो प्रयासरत हैं, मैं निजी तौर से बहुत ज्यादा आपका आभारी हूं। मुझे ऐसे सैकड़ों मुस्लिम भाई मिले हैं जो आपके दीवाने हैं, आपके समर्थक हैं, और एक्चुअली क्या होता है कि आपकी भी भूमिका गोलकीपर वाली है, कितने गोल हो गए ये तो दिखाई पड़ते हैं, और ड्राइव लगा के कितने गोल बचाए हैं वो उससे भी नहीं आते गोलकीपर के। आपके इन प्रयासों से कितनी सामाजिक एकता हुई है विभिन्न धर्मों के बीच में, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है कि बहुत सारे इंद्रिय पैदा करने की जरूरत है,
अगर देश को ठीक रखना है तो बहुत सारे बहुत सारे। तो उन देशों से बड़े अच्छे रिश्ते रहे हम लोगों के, विश्व गुरु थे हम, आज नहीं है, लेकिन वर्तमान नेतृत्व में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हो जाएंगे। लेकिन ये रिले रेस है, आने वाले समय में भी देश सुरक्षित हाथों में जाए। ये जो चुंगन आप देश बता रहे हैं, ये पढ़ने के लिए आते थे तक्षशिला और नालंदा। क्या इस समय पिछली लोकसभा में हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कहा भारत का एक आईआईटी देश के संयोग से 54वां नंबर लिया कि 54वें स्थान पर आ गया है। सब लोगों ने ताली बजाई, मैंने नहीं बजाई। तक्षशिला और नालंदा वाला देश 54वें नंबर पे शिक्षा के स्टैंडर्ड में आने पे खुश हो रहा है। मुझे तो शर्म आती है कि मुझे किसने एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया, जब इस देश में चाणक्य जैसे प्राध्यापक रहे हो तो हमें तो चपरासी बना दिया जाए तो ही बहुत बड़ी बात है ज्ञान के मामले में। आचार्य चाणक्य जहां पढ़ाते हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अभी भी पढ़ता हूं तो सिर दुखने लगता है, ज्यादा समझ में आता नहीं है। सुखद संयोग है कि जिस साल बख्तियार खिलजी नालंदा को जला रहा था, उसी साल फावड़ा लेकर गोरे लोग ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। जब यहाँ रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, धातु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, उस साल वो फावड़ा खोद रहे थे। लेकिन आज मानना पड़ेगा कि पहले प्रकार के स्टैंडर्ड के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड है, ये मानना ही पड़ेगा। और भारत के संदर्भ में पहले स्कूल देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया और नैनीताल का शेरवुड मानना पड़ेगा यह। फिर आता है हमारे पीटर्स पैट्रिक चार्ल्स जॉर्जी जी जी गुण के डीपीएस का, उसके बाद आता है फिर आपका अच्छा ही है आगरा पब्लिक स्कूल, होली पब्लिक स्कूल, एंड्रूज, उसके बाद कुछ नीली लाल टाई लगा करके बसे ऐसे भेज के अधकचरी अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ ठीक कर रहे हैं। बाद वाला हमारे देहात के स्कूल है, इसलिए बड़ा दुख होता है कि आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, केवल एक काम है उसमें हैसियत मिटा दो तो आबाद हो जाओगे, वो है अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सब कुछ वापस आएगा। विषय से हट गया मैं, तो विश्वगुरु थे, क्यों नहीं होंगे, हर क्षेत्र में तो हम टॉपर थे। जेल बोर्ड ने टेलीविजन 1900 कुछ में बनाया होगा, मैं एक्चुअली गूगल देखना नहीं जानता इसलिए मेरा भाषण बहुत आंकड़े वाला नहीं हो पाता है, लेकिन इतना है कि 1900 कुछ में ही जेल बोर्ड ने टेलीविजन बनाया और यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध को संजय हस्तिनापुर में लाइव दिखा रहे थे। अब महाराज गांडीव पर तीर चढ़ा लिया, अब ये हुआ, अब उसकी गर्दन कटी, ऐसा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। इसका मतलब हमारे यहाँ अच्छी किस्म का टेलीविजन था। अभी सुना है कि फौज बुलेट प्रूफ जैकेट दे रही है, हमारे पास कर्ण के पास बहुत पहले था, द्वापर में थी बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको कानन कुंडल कवच और जो भी बोल रहे। अभी फायर ब्रिगेड वालों को बुलेट वो फायर प्रूफ जैकेट दी जा रही है, वो हमारी बुआ पे बहुत पहले थी, प्रहलाद की बुआ पे, और उसी को ओढ़ के वो थी, वो हवा आ गई, वो प्रहलाद के ऊपर गिर गई, वो जल गई, वो बच गई, वो फायर प्रूफ जैकेट थी। और जहां हम अपनी बात कह रहे हैं, यहीं से आसपास बटेश्वर से सौरिक जी से कंस अपनी बहन को लेके यहीं डॉकी ओकी के आसपास से गुजर रहा था, जेपी होटल के सामने से यही रास्ता मथुरा गए, तो आकाशवाणी हुई कि तू जिसको लेके जा रहा है उसका बच्चा तेरा वध करेगा। तो हमारे पास मार्कोनी ने बहुत बाद में आकाशवाणी और वायरलेस बनाया है, हमारे पास पहले से FM था, आकाशवाणी थी। मिसाइल अब चल रही है, अग्निबाण बहुत पहले से थे। राइट ब्रदर्स ने 1900 कुछ में जहाज बनाया, हमारे भारद्वाज जी ने बहुत पहले प्रयागराज में जहाज बना लिया था, रावण तो छीन के ले गया था उसको, पुष्पक को। सब लोग मिलकर यही प्रयास करें कि अपने उस पुरानी गौरवशाली इतिहास को अगर हम वापस कर लें तो विश्व गुरु तो अपने आप ही बन जाएंगे।
मुझे नहीं लगता विश्व गुरु को इस बात पे बनेगा कि यूरेनियम उस पर कितना है, प्लेटिनियम उस पर कितना है, गोल्ड कितना है, कोयला कितना है, एनर्जी, इस बात पे तो कभी नहीं बनेगा। जब बनेगा तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और अपने ज्ञान से बनेगा। तो समाज का अंतिम व्यक्ति वाल्मीकि जब रामायण लिख सकते हैं त्रेता में, और लवकुश को ऐसा पारंगत शस्त्र और शास्त्र में, जिनका इंडोर अच्छा होता है उनका आउटडोर खराब होता है, लेकिन वाल्मीकि जी शस्त्र और शास्त्र में लवकुश को इतना पारंगत कर दिया कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को उन्होंने सस्वर राम के दरबार में पढ़ाया और अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ लिया और लक्ष्मण को मूर्छित किया, जिसको मेघनाथ कर पाए थे उसको लवकुश ने कर दिया। ऐसे हमारे वाल्मीकि जी थे। गोसाई जी की एक एक रचना पर पीएचडी हो सकती है, हर चौपाई पर। मुझे लग रहा मैं लंबी बात कह रहा हूं है जी, तो मेघवाल जी तक ऐसा मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो फलाने आ रहे हैं तब तक आपको संभालना है। एक बार मैंने 5.5 घंटे का भाषण दिया क्योंकि उनको आने में देर हो गई थी। तो मैं निजी तौर से इंद्रेश जी का, उनकी पूरी टीम का आभारी हूं। शांति से ही, सद्भाव से, सबको लेकर के, सबका विश्वास लेकर के, और जब हम लौटा नहीं सकते बहादुर शाह जफर के बुढ़ापे के कष्टकारी दिन, जनरल शाहनवाज के जवानी के वो बेहतरीन दिन, या अब्दुल हमीद को, या अशफाक उल्ला खां को, या तो सबको, सबका सम्मान लेकर चलना इस दिशा में आपके प्रयास, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपके पीछे मैंने कहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार के अगर भारत में कोई हकदार है तो वो इंद्रेश जी हैं। तो मैंने बताया ना गोलकीपर वाली भूमिका है ना, वो तो याद रहता है, लेकिन कितने लोगों का आपने हृदय परिवर्तन किया है, आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये अच्छी, आपने हृदय परिवर्तन किया, आपने काउंसलिंग किया, आपने माइंडसेट राष्ट्र की मुख्य धारा में आप लाए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे आपने इस वंडरफुल ऑडियंस में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं निजी तौर से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम जो 54 देशों के प्रतिनिधि यहाँ रहे, जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, अब मैं ढाका के मलबल की चर्चा नहीं करना चाह रहा, मैं अपने दक्षिण भारत के मसालों का व्यापार कहाँ होता था, कुछ तो बात रही होगी जो वास्को डी गामा आया था। कोई ऐसी जगह आज तक पर्यटन के लिए गया है जहां कुछ ना हो? अब क्यों कश्मीर जाते हैं, या कुमारकम जाते हैं, या थेकरी जाते हैं, या ऊटी जाते हैं, या कोडाईकनाल जाते हैं, या गोवा जाते हैं? मैनपुरी तो कोई नहीं जाता पर्यटन के लिए। कुछ तो बात रही होगी जो वास्को डी गामा आया, कुछ तो बात रही होगी जो ह्वेनसांग आया, कुछ तो बात रही होगी जो फाइयान आया, कुछ तो बात रही होगी जो इब्ने बतूता आया, मार्को पोलो आया, वो जो यहाँ पाने आए थे, जो यहाँ अध्ययन करने आए थे, जो यहाँ का दर्शन सीखने आए थे, या व्यापारिक बात करने जो आए थे। और व्यापार का भी कितना बड़ा स्कोप रहा होगा, मुझे लगता है ट्रेड पर ही आपने बहुत चर्चा की होगी आज। जहांगीर के दरबार में शहजादी रोते हुए आती है, हसन का क्यों रो रही हो, कह रहे हाथ जल गया। एक अंग्रेज बैठा हुआ था, झोले में से एक मलहम निकाला, जिसे आज की तारीख में हम बेसलीन कहेंगे, बेसलीन, और वो बेस्तीन लगाई, शहजादी को ठंडक पहुंची, बादशाह खुश हुआ, कहा मांगो क्या मांगते हो? तो उसने कहा एक छोटा सा टेंट चाहिए बस, 10 बाई 20 का टेंट कालीकट में लगाना है, जहां वास्को डी गामा भी आए थे। और साहब क्या भारत का व्यापार रहा होगा कि वो टेंट चौड़ा होते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश में फैल हो गया। अगर यहाँ व्यापार का स्कोप नहीं था तो उसको वहीं से लौट जाना चाहिए था। ये बाद में 1857 में हम रानी के गुलाम हो गए और विक्टोरिया के हम गुलाम हो गए, लेकिन उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के हिसाब से
सब चीजें हमारे यहाँ थी, सब संसाधन थे। तो वही बस यही तमन्ना है कि एक बार शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बार भारत जहां पर था, जहां पुरखे छोड़ गए थे, वो दो गुलामी की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है 1192 के बाद और ये जब ईस्ट इंडिया के बाद, लेकिन फिर भी अगर हम उसी परंपरा को एक बार फिर पालें तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और उस रास्ते के लिए जो कांटे हैं वो हिमालयन, हिंद महासागर, राष्ट्र जो सिंधु है, ये हाँ समूह, वो कांटे आप उठा रहे हैं। पूरा लाल कारपेट नहीं बिछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कारपेट आप बिछा रहे हैं इन 54 देशों में। और ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता होगी कि आपने कम से कम इतने देश के लोगों को एक छत के नीचे बैठाने का, या उनका संदेश आने का, या उनका प्रतिनिधित्व के लिए आपने उनके लिए राजी कर लिया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। धन्यवाद।